तो जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इस वक्त टेस्ट मैच जारी है, जो कि काफी सनसनी हेज जो मराहल है उनमें दाखिल हो चुका है। मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है, उस पर बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम इस वक्त जीत सकती है और कौन सी टीम नहीं जीत सकती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को लाजमी से अनेबल कर लें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी से कर देना है। अगर आप पाकिस्तान टीम के फैन और चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीते, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा सा जुमला ज़रूर बताएं। तो बात कर लेते हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में पहला टेस्ट मैच इस वक्त मैनचेस्टर में जारी है और इंग्लैंड जो है वो बैटिंग कर रहा है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में जो है सिर्फ इंग्लैंड 169 यानी 169 रन पर ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान ने 326 बनाए पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हुई, 219 रन सिर्फ बनाए। उसके बाद इंग्लैंड की चौथी इनिंग्स में बैटिंग जारी है और पाकिस्तान ने आज तक वैसे 2000 से लेकर अब तक किसी भी टीम को जो है 220 से प्लस का टारगेट जो है वो चौथी इनिंग्स में चेस करने नहीं दिया। लेकिन आज का जो मैच है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। इंग्लैंड की टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है, 199 रन है यानी 200 रन आप भी कह लें, 200 रन ही समझ लें हो चुके हैं इंग्लैंड की टीम के। 78 यानी 78 रन जो हैं वो रह गए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं। इंग्लैंड के 5 विकेटें चाहिए पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए। इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 78 यानी 78 रन जो हैं उनकी ज़रूरत है, इसके बाद जो इंग्लैंड की टीम है वो ये मैच जीत जाएगी। इस मैच में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि कौन सी टीम जो है वो जीतने के ज़्यादा नज़दीक है, क्या पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के या फिर इंग्लैंड के, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एज अ पाकिस्तानी फ़ैन हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है वो अभी भी कम बैक कर सकती है। वोक्स और बटलर के दरमियान इस वक्त शानदार जो है पार्टनरशिप जारी है और दोनों काफी कमाल की बैटिंग जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये जो टेस्ट मैच है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। पहले तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो ये टेस्ट मैच आसानी के साथ जीत जाएगी पहली इनिंग्स के बाद, जब इंग्लैंड 170 पर ऑल आउट हो गया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, अब ये मैच 50-50 लग रहा है, या तो पाकिस्तान जीतेगा या फिर इंग्लैंड। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीते, तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से करें और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को अनेबल कर लें, ताकि आपको पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ और T20 सीरीज़ है उनकी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को एनेबल करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और साथ बनी बेल जो है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो भी सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को भी लाइक लाजमी से कीजिए। तो कमेंट में बताइए कि पाकिस्तान ये जो टेस्ट मैच है ये जीतने वाला है या इंग्लैंड। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम और इंग्लैंड दोनों के 50-50 चांसेस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमें हैं इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अजहर अली जो हैं और अजहर अली के साथ असद शफीक, इनको लंबा रेस्ट देना देना चाहिए। बाबर आजम और जो शान मसूद है उनमें से किसी को कैप्टन बनाना चाहिए और यंग टैलेंट जो है उनको टेस्ट क्रिकेट में भी मुतारिफ कराना चाहिए। लेकिन कुछ जो कमेंटेटर्स और उसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लास्ट सेशन इस वक्त चल रहा है आज का, इसमें अजहर अली की कैप्टनसी देखी जाएगी कि अजहर अली जो है वो विकेट लेने की तरफ जाते हैं या फिर स्कोर बचाने की तरफ। लेकिन आपकी सवाले से क्या राय है कि पाकिस्तान टीम ये टेस्ट मैच जीतेगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को एनेबल कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में।